हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा और मैं आज आपके साथ एक रिव्यू शेयर करने वाली हूँ गुड वाइब्स के फेस पैक का। फेस मास्क है, मतलब उस पर लिखा हुआ है, लेकिन फेस पैक तो चाहे फेस पैक बोलिए चाहे या फेस मास्क बोलिए, बहुत ही अच्छा फेस मास्क है। मैंने ये अप्लाई कर लिया है और मतलब मैं कर चुकी हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। अगर आप लोगों को पसंद आए तो अच्छा लगे मेरा वीडियो तो आप बने रहिए, और अगर आपको ये सब पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो, मतलब नहीं देखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। और अगर आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल को नया देख रहे हैं, रिचा रॉय को नया देख रहे हैं चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और जैसे ही आप हिट करेंगे तो मेरा नया वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए फटाफट से देख लेते हैं इसका रिव्यू। और फ्रेंड्स प्लीज़ मैं कहती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताया करिए, कमेंट करिए, कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर मेरा मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट तो करें कम से कम कि कैसा है ये, मतलब जो भी वीडियो, जिस जो भी वीडियो बना रही हूँ, जो देख रहे हैं आप, जो वीडियो आप देख रहे हो, पुराना भी देख रहे हैं या नया देख रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है मेरा वीडियो। तो ये है गुड वाइब्स का फेस मास्क, ये बिल्कुल हर्बल प्रोडक्ट है, तो आप 17 एज से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, मतलब कि 17 प्लस से आप इसको शुरू कर सकते हैं, आप लगा सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको लगाने में। और बहुत ही अच्छा है, अमेजिंग रिजल्ट तो देता ही है, बहुत ही बढ़िया है, मतलब ग्लो तो प्रोवाइड करता ही, आपकी पिगमेंटेशन, झाइयाँ, मतलब ब्लेमिशेज एकदम, मतलब कम कर देगा एकदम से, एक बार में नहीं गायब होंगे। हाँ, आप इसको लगा सकते हो, आप पीक में 2 बार लगा सकते हो, लेकिन आप समर चल रहे हैं तो आप 2-3 दिन बाद भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये हर्बल प्रोडक्ट है और सारे फ्रूट्स एक्सट्रैक्ट इसमें पड़े हुए हैं। और इसमें मैंने बताया ही है कि आपको नो मिनरल, नो सल्फेट, नो पैराबेन और कुछ भी इसमें इस तरह का नहीं है, नो केमिकल है और क्रोएल्टी फ्री प्रोडक्ट होते हैं ये। और कि मिनरल ऑयल तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब किसी भी तरह का कोई हार्म वाली चीज़ कुछ भी नहीं है। अगर आपको इस तरह के प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ बने रहिए और मेरे वीडियो को देखिए और आप भी यूज़ करिए। फ्रेंड्स ये है गुड वाइब्स का पपाया ग्लो फेस मास्क, और ये है 50 ग्राम्स की इसकी पैकेजिंग है, और इसकी सेल्फ लाइफ 2 ईयर्स है। और इसको आप यूज़, मतलब पपाया को कैसे यूज़ करना है, ये यूज़ आपको आपको क्लीन फेस पर आपको कर लेना है, और आपको मतलब कि वेट रहे आपका फेस तभी इसको आपको यूज़ करना है, और आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके जितने भी दाग धब्बे होंगे वो इससे ठीक होंगे, आपकी स्किन हाइड्रेट कर देगा ये, और आपकी स्किन पर ग्लो भी प्रोवाइड करेगा। और क्या है कि आपको 10 मिनट्स या 15 मिनट्स आपको ये रखना है अपने फेस पर, और इसको आपको जितने भी आपकी पिगमेंटेशन होगी, डलनेस होगी, ब्लेमिशेस होंगे, मतलब उस पर ट्रीट करता है, उस पर ही ज़्यादा वर्क करता है ये पपाया फेस मास्क। और इसको बहुत ही सारे फ्रूट्स पड़े हुए हैं इसमें, एक्सट्रैक्ट पड़े हुए हैं। और ये प्रोडक्ट कैसा होता है, नो पैराबेन होता है, नो सल्फेट होता है, क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट होते हैं, नो मिनरल ऑयल्स होते हैं इसमें, और ये हर्बल प्रोडक्ट है, तो इसलिए आप कोई भी एज के लगा सकते हो, मतलब कि 17-18 के भी इसको आराम से लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप मतलब 70 प्लस जितने भी एज के हों आप, उसके बाद जितना भी एज है आपकी, वो सब ट्राई आप कर सकते हो, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपकी स्किन ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा आपके स्किन पे वो रहते हैं, पिंपल्स होते हैं या फिर एक्ने प्रोन स्किन है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है, मतलब कि जैसे पिगमेंटेशन के लिए तो बहुत ही वर्क करता ही है ये, लेकिन हर चीज़, मतलब जैसे आपके दाग धब्बे हैं तो उस पर भी ये वर्क करेगा। और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, और इतना बड़ा ये पैक होता है 15 ग्राम का, और ये आराम से इसकी ये लिड है, आपको इस तरह की लिड मिल जाती है, और ये ट्रेवल फ्रेंडली तो है ही, और इस तरह से आप इसको खोलेंगे तो इसमें एक लिड और अंदर मिलेगी, इस तरह का लिड है इसमें, और आप इसको इस तरह से
इस तरह से ये दिया होता है, इसमें ऐसे आराम से इसको खोल सकते हैं आप और इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। और इसकी फ्रेग्रेंस माइंड ब्लोइंग है, सारे फ्रूट्स की इसमें स्मेल आ रही है, तो बहुत ही अच्छी है इसकी फ्रेग्रेंस। तो चलिए फटाफट से इसको यूज़ कैसे करना है देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले अपने फेस को वेट कर लूँगी, मेरा फेस एकदम क्लीन है और मैं सबसे पहले अपने फेस को वेट कर ले रही हूँ। ये है रोज़ वाटर, तो मैं इससे ही वेट कर लेती हूँ। हमेशा मैं रोज़ वाटर से ही अपने फेस को वेट करती हूँ, अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो और आप देखते हैं तो। मैंने अपनी लिप्स पर कुछ नहीं लगा रखा है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लगा कर ही रखूँ, तो मैंने नहीं लगाया। तो चलिए फटाफट से मैं इसको लगा लेती हूँ। और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी। आप इसको 10 मिनट्स तक आराम से लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 से 15 मिनट्स तक आराम से आप लगा के रख लीजिए, इसको लगाने में कोई दिक्कत नहीं है आपको। बहुत इजीली ब्लेंड हो रहा है, आराम से लग जाता है ये। तो फ्रेंड्स, मैं लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ये लगा लिया है और मैं अब इसको 15 मिनट्स तक के लिए छोड़ दूंगी। और अगर ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है 10 मिनट्स के बाद ही, तो मैं थोड़ा सा रोज़ वाटर अपने फेस पर स्प्रे कर लूँगी। चलिए 15 मिनट्स बाद आपको मिलती हूँ, आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, 15 मिनट्स हो गए हैं, मेरा ये फेस पैक सूख गया है और मैं अब वॉश करके आती हूँ, देखती हूँ कैसा रिजल्ट है। मैंने ये वैल्यूअर लिया है, अब देखती हूँ क्या है और मैं आपको भी दिखाती हूँ कि ये कैसा वर्क कर रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं आपको। मतलब स्किन जो लिखा है इसमें ग्लो प्रोवाइड करता है, देखते हैं ग्लो प्रोवाइड करता है या नहीं। चलिए फ्रेंड्स, मैं वॉश कर आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने फेस वॉश कर लिया है और मैं वॉश कर आ गई हूँ और आप लोग देख सकते हो कि मेरा फेस कैसा लग रहा है। हाँ ठीक है, ग्लो तो दिया ही है, अच्छा लग रहा है फेस, अच्छा लग रहा है फेस एकदम। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख लिया है मेरा ये रिव्यू और डेमो भी देख लिया है आपने। अगर आप लोग को पसंद आया है तो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना तो बनता ही है फ्रेंड्स। मतलब आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, लाइक करने से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, नए वीडियो अपलोड करने में अच्छा लगता है, नए नए तरह की मतलब चीज़ें कुछ करने का मन करता है, अच्छा लगता है। कोशिश करते हैं कि और अच्छे से अच्छा आप लोगों के लिए ला पाएँ, इसलिए आप लोग प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कर दिया करिए, क्योंकि आप जैसे ही लाइक करते हो और शेयर करते सब्सक्राइब करते हो तो मोटिवेशन भी मिलता है और प्लस आपको इसमें कुछ भी आपका नहीं लग रहा है तो आप लोग ये कर ही सकते हो और इसमें आपके कोई भी पैसे नहीं लग रहे, मतलब ये सारा प्रोसेस फ्री होता है तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। और फ्रेंड्स प्लीज़, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है मुझसे या मेरे वीडियो से या फिर किसी भी चीज़ से तो प्लीज़ कमेंट करिए, लेकिन इतने इस तरह के कमेंट मत करिए कि कोई मोटिवेट होने की जगह डीमोटिवेट हो जाए। इसलिए मतलब ऐसा क्या है कि मतलब आप लोगों के मन में क्या चलता है, मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो हेटर्स होते हैं। हेटर्स ऐसा क्यों करते हैं मुझे नहीं समझ आता है कि उनको क्या प्रॉब्लम होती है किसी से। मतलब कोई अगर काम कर रहा है तो उसे करने दीजिए ना, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है तो उसको आप अपने, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम है तो आप सॉर्ट आउट कीजिए। आप जो दूसरों पर क्यों आप उसका फ्रस्ट्रेशन निकालते हो, तो ऐसा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है फ्रेंड्स। और मैं अच्छे से जवाब देना जानती हूँ, मैं कैसे जवाब देना है ये भी मैं जानती हूँ, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा तो मैं उसका जवाब भी मैं बहुत अच्छे से जानूंगी, जानती हूँ देना और दूंगी भी मैं।
तो फ्रेंड्स इसलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे इस तरह के कमेंट नहीं चाहिए। आप मुझे इस पर कमेंट करें या मेरे फेसबुक पर कमेंट करें, मैं नहीं चाहती हूँ। मुझे मतलब नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करिए। करना है तो मतलब अगर करना है अच्छे कमेंट करिए, मतलब बुरा कुछ ऐसा करिए ना कि मतलब कोई चीज़ ख़राब लग रही है तो किस तरह से उसको बताना है ये भी आप बताइए, लेकिन इस तरह के नहीं कि उल्टा सीधा कुछ भी बोले, मतलब गाली गलौज को उतराए, ये कौन सी बात होती है? ये इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए किसी के साथ भी। कोई भी यूट्यूबर्स है या कोई भी सोशल मीडिया पर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह से उसका मतलब कुछ भी उसको बोल सकते हैं, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। तो मैं उन्हीं के लिए कह रही हूँ, हेटर्स जो हैं तो हेट करिए, अपने घर वालों को हेट करिए, हम लोगों को मत हेट करिए, मुझे तो बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि कैसे जवाब देना है, और मैं जवाब दूंगी भी बाद में, जब बहुत ज़्यादा सर के ऊपर बात हो जाएगी तो मैं ज़रूर जवाब दूंगी। मैं किसी की बातों को सुनने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, गलत बात होगी तो मैं उसको बिल्कुल भी नहीं सुनती हूँ। तो फ्रेंड्स यही मेरा मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ फ्रेंड्स, जो कि मुझे हेट करते हैं, मतलब हेट कमेंट कर रहे हैं, जो मेरे मतलब अच्छे अच्छा बोलते हैं, अच्छा समझ रहे हैं, मतलब मुझे अच्छे से जवाब देते हैं, अच्छी बातें मुझे बताते हैं, गलत बात भी हो तो भी मुझे अच्छे से बताते हैं, तो मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो मुझे डीमोटिवेट कर रहे हैं, मतलब मुझे गलत बोल रहे हैं, मतलब ऐसा मैंने क्या कर दिया जो आप मुझे गाली गलौज देना शुरू कर दिए, मतलब गालियों पे आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मुझे यहाँ कमेंट नहीं कर रहे हो, आप फेसबुक पर जाकर कमेंट कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। और अगर आपको करना है कमेंट तो आप सीधे मेरे इस पर यूट्यूब पर करिए, और जो मेरे वीडियोस हैं उन पर करिए, फिर मैं बताती हूँ ना आपको। अगर उस पर भी किया है तो मैं उस पर भी बताऊँगी, अगर आपने बंद नहीं किया तो मैं उस पर भी आपको जवाब दूँगी। गर्ल्स है तो ऐसा कुछ नहीं है, जब गर्ल्स हो आप तो गर्ल्स होकर भी आप एक लड़की की फीलिंग्स को हर्ट कर रही हो, मतलब उसको गलत बोल रही हो, ये कौन सी बात होती है फ्रेंड्स, ये क्या है, मुझे ये नहीं समझ आता है। कैसे संस्कार हैं, कैसा है आपका ये, मतलब आपकी मेंटेलिटी कैसी है, मुझे नहीं समझ आता है। तो इसलिए मैं उन्हीं के लिए ये कह रही हूँ, आप प्लीज़ अभी भी समझ जाइए, मैं कह रही हूँ अभी बस अच्छे से बोल रही हूँ इसलिए समझ जाइए, नहीं तो मुझे और भी कुछ तरीके आते हैं जो कि मैं बाद में बताऊंगी भी आपको। ऐसा नहीं है कि मुझे बताना नहीं आता या मुझे सुनाना नहीं आता, मैंने आपको जवाब भी दे दिया है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाएगा जवाब, ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो मैं उसका भी जवाब देना चाहूँगी। चलिए फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और ये सब छोड़ दीजिए, मैं उन लोगों को बोल रही थी जो हेट कमेंट करते हैं, जो लोग अच्छे हैं मेरे साथ अच्छा बिहेव करते हैं, अच्छा बोलते हैं, मतलब ख़राब भी कुछ बातें मैं अगर गलत करती हूँ तो उनको भी समझा देते हैं, तो वो अच्छे लोग हैं, अच्छा भी लगता है उन सब चीज़ों को सुनकर और उस पर काम करना, लेकिन गलत बोलना ये मुझे नहीं अच्छा लगता है, मतलब गलत नहीं सुन सकती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स इसी बात पर यही मैं कह रही हूँ आपसे, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को प्लीज़ अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री होता है, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग नए आए हैं तो प्लीज़ रिचा रॉय चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर दीजिएगा, जैसे ही हिट करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन न्यू वीडियो का पहुंच जाएगा, तो आप उसको भी देख सकते हो अगर आपको वो अच्छा लगे, अगर आपके मतलब जो आप ढूंढ रहे हो उस तरह का वीडियो है तो आप इंजॉय ज़रूर कर सकते हैं। फिर चलिए, बाय बाय बाय।